साहेब ये क्या कर रहे हो? देखने भी काजल लगा रहा हूँ मगर साला लगता नहीं है। देखो तो क्या देखने का देख सारा काजल तो अपनी पलकों में लगा लिए। क्या करूँ उंगली से ऐसे काजल लगाने जाता हूँ जैसे उंगली रखता हूँ सारी आँख बंद हो जाती है। ठहरो हम आपका सिखाते हैं कि आँख में काजल कैसे डाला जाता है। तू सिखाएगा? ज्यादा नजदीक हो गया। तो क्या कर रही तू अंदर क्या घुसी आ रही है? अरे अरे क्या अरे करती है? कहाँ लगाना चाहिए कहाँ लगा दिया यार? तो हम क्या करें मालिक आप भी तो सीधे खड़े रहो ना छुई मुई की तरह हिलते सुकड़ते रहते हो। लो मत कर काजल लगा। तो फिर दीदे का ढक्कन तो खोलो। ये दीदा को टिफिन बॉक्स नहीं के ढक्कन खोलो। डालो अरे तेरा सत्याना से क्या पेंटिंग कर रही है क्या कर रही है? हम आपको सुंदर बना रहे हैं। सुंदर बना रही है या बंदर बना रही है? अरे आपके जैसे सुंदर बंदर कैसे लग सकते हैं? खोलो ना खोलो। नहीं मेरे को गड़बड़ लगती है। मैं नहीं बोलता मैं मेरा मुंह देखूंगा। ये काला आदमी कौन है? आप ही ना हो मालिक। मैंने तेरे को आँख काली करने बोला था तूने मुंह काला कर दिया। मालिक आप लगाते समय इतना हिलते हैं कि उंगली हिया की हुआ चली जाते। अरे मगर लगाने से हिलने का क्या संबंध है? नहीं सरकार वो कहा है कि लगाते समय हिलने से मुंह काला हो जाता है। अरे कहाँ हो एक जबरदस्त टेप लेकर आया हूँ वकील साहब। ओ वकील साहब क्या 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 चाल है? ये कालिया तू अंदर तेरे को साहब आज आज कौन है ये? अरे अरे एडवोकेट धर्मदास। ओ एडवोकेट धर्मदास वकालत तो वकील का कोट काला होता है। तुम्हारा मुंह कैसे काला हो गया समझ नहीं आता? नजर नहीं लगे इसलिए मुंह पे काला टीका लगा रहा था। मुंह पे टीका लगाया था कि टीके पे मुंह लगाया था कि पूरा मुंह ही काला कर लिया? अब तो फिर से नजर लग जाएगी इसलिए एक सफेद टीका लगाना पड़ेगा। अबे बकवास बंद कर मतलब की बात क्या? दिमाग में वकालत के कीड़े जाग उठे उनको कानून की खुराक की। बोल 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 बोल। वो बाजू वाली गली में दो मारवाड़ी भाई रहते हैं हीरा लाल और पन्ना लाल। दोनों हीरे का धंधा करते हैं जौहरी है। दोनों में किसी नाजुक सी बात पर एक जबरदस्त गलत फहमी हो गई है। दोनों अलग होना चाहते हैं अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। ये केस आपको लड़ना है। ये मत कर मुझे दिख रहा है। केस तो है दमदार। अच्छा राम कोटोरी इसी बात पे मेरी आंखों में काजल घुसेड़ दे। मुझे भी लगा दे तेरा काजल। इसको गिलास गरम पानी पिला। गर्मी में गरम। अब खोल के रखो। खोलो ना मारे। और कितना खोलू कबाड़ थोड़ी है लगा ना। खोलो ना आराम से आराम से। राम कोटोरी बोलता है साले ये साड़ी वाली कौन है? कोई नहीं अंधे होकर पूछते हो कौन है? रामखोर झूठ बोलता है। और ये राम कटोरी लिपटा हुआ आदमी कौन है? आदमी नहीं मैं हूँ। क्या बात कर रहे हो आदमी कौन है? रामखोर तू है? मैं गया मैं गया। ऑर्डर 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 योर ऑनर। ये दो भाई हैं हीरा लाल पन्ना लाल। ये दोनों अलग होना चाहते हैं घर का बंटवारा करना चाहते हैं जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं। हीरा लाल का वकील कौन है? मैं। और पन्ना लाल का? वो भी मैं। What? हाँ ये दोनों की वकालत मैं अकेले करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूँ। इजाजत तो है लेकिन किसी एक की तरफदारी मत करना। नहीं नहीं मैं दोनों की तरफदारी करूंगा और दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा। पन्ना लाल जी क्या ये सही है कि आप जौहरी हैं? जी हाँ। और ये भी सच है कि आप हीरा लाल के छोटे भाई हैं? हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हाँ तो पन्ना लाल जी आप शादीशुदा हैं? जी नहीं मैं कंवारा हूँ। आपने शादी क्यों नहीं की? पिताजी ने कहा था पहले बड़े की हो जाए उसके बाद तुम्हारी हो। बड़े की? आप तो कह रहे थे कि आप दोनों जुड़वा पैदा हुए तो फिर छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? ओहो वकील साहब आप समझते क्यों नहीं ये मुझसे 10 मिनट पहले पैदा हुआ था। अच्छा 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 10 मिनट पहले पैदा हुआ था तो 10 मिनट पहले पैदा होने वाले भाई को आप बड़ा मानते हैं उस बड़े भाई के लिए शादी की कुर्बानी देते हैं सारी जिंदगी साथ भी रहते हैं तो ये अचानक अलग होने का सवाल पैदा कहां से हो गया बीच में? इसने मुझे माँ की गाली। अगर तुम्हारी माँ को गाली दी मतलब उसने अपनी माँ को गाली दी? ये वो माँ नहीं है दूसरी माँ को गाली दी। दूसरी माँ? तुम्हारे बाप ने दो शादियां की थी क्या? जज साहब वकील साहब ने कही कि मुझे फजूल सवालों से तंग न करें। अब हाँ समझ गया। नहीं 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 पूछता।
तो आपने इससे अलग होने का बिल्कुल फैसला कर लिया? बिल्कुल, मैं इसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। अरे तू मेरे साथ क्या नहीं रहेगा, मैं खुद तेरे मुंह पर थूकना नहीं चाहता। ये अदालत है, कोई सट्टा बाजार नहीं, चाहे तुम लोग जुआरियों की तरह लड़ रहे हो। तुम मेरे वकील होकर इसकी तरफदारी कर रहे हो? अरे ये मेरा भी तो वकील है। मैं दोनों का वकील हूँ, अभी मैं इधर खड़ा हूँ इसकी तरफदारी कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ आऊंगा तुम्हारी तरफदारी करूंगा, बराबर है कि नहीं सर? अभी मैं उधर जाता हूँ। हाँ तो हीरालाल जी, आपका पन्नालाल के बारे में क्या ख्याल है? ये पन्नालाल नहीं कंडालाल है, मैं इसका मुंह तक नहीं देखना चाहता। ऐसी क्या खराबी है इसके मुंह में जो आप उसकी तरह देखना नहीं चाहते? ये कमीना है, नीच है, जलील है। मैंने अपना सारा हिसाब किताब सारा कारोबार इसके भरोसे छोड़ा हुआ था, इस पर अंधविश्वास करता था। लेकिन उस दिन मैंने एक ऐसा घनाभना मंजर देखा वकील साहब कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा क्या मंजर देखा आपने? मुझसे मत पूछिए, इसी कमीने से पूछिए। हाँ तो कमीने साहब, मेरा मतलब पन्नालाल जी, इन्होंने क्या भयानक मंजर देखा? मुझसे मत पूछिए, इसी से पूछिए। ये कहता है तुमसे पूछो, तुम कहते हो इससे पूछो, इनसे उनसे होता रहेगा तो मुकदमा आगे कैसे बढ़ेगा? मैं आगे बढ़ाऊंगा योर ऑनर। ये शरीफ और नेक हीरालाल जब उस दिन अपने घर आया तो क्या देखता है, ये जलील और कमीना पन्नालाल, ये विश्वासघातक पन्नालाल अपनी भाभी की गोद में लेटा हुआ है, भाभी उस पर झुकी हुई है और उसको किस कर रही थी। कितने शर्म की बात है, इसलिए ऐसे जलील इंसान को गोली मार देना चाहिए, इसको फांसी दे देनी चाहिए, इसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियां मार मार के इसके शरीर को जली कर देना चाहिए। ऐसा हीरालाल जी का कहना है, मेरा नहीं। क्या कर रहे हो धर्मदास जी, ये हरा तोता भी अपना ही क्लाइंट है। लेकिन पन्नालाल जी का कहना है कि वो अपनी भाभी को अपनी माँ के समान समझता है, ऐसा घिनौना काम करना मतलब अपनी माँ के पवित्र दामन पे हाथ डालने के बराबर है। लेकिन हीरालाल जी का कहना है कि पन्नालाल अपने पापों पे पर्दा डाल रहा है, उसने ये घिनौना पाप करते हुए पन्नालाल को अपनी आंखों से देखा है, किसी को कहते हुए नहीं सुना। लेकिन मेरा ये कहना है कि हीरालाल जी ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो गलत देखा, और वो मैं अदालत में साबित कर सकता हूं। हीरालाल जी जरा अपना चश्मा उतारना। तो हीरालाल, मेरी एक तरफ इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ हवलदार खड़े हैं। अब जरा गौर से देख के बताओ कि इंस्पेक्टर किधर है और हवलदार किधर है। इस तरफ इंस्पेक्टर साहब है और उस तरफ हवलदार साहब है। तुम उल्टा बोल रहे हो, गौर से देख के बताओ नहीं तो केस हार जाओगे। नहीं नहीं, इस तरफ इंस्पेक्टर साहब है और उस तरफ हवलदार साहब है। अच्छा, अब चश्मा लगाओ। जी ये तो दोनों हवलदार है। जी दोनों हवलदार हैं। जी थैंक यू। तो इसका क्या मतलब हुआ गुरु, कि आपको बगैर चश्मे के नजर नहीं आता है, और उस दिन भी जब आप अपने घर आए थे तो आपकी आंखों पे चश्मा नहीं था, बल्कि आपने चश्मा बनवाने के लिए फूल चंद कांटे वाले की दुकान पे दिया था, और ये रही उस ऑपरेशन की रसीद। वाह, साफ नजर नहीं आता, धुंधला तो नजर आता है ना, और जब मैंने आवाज दी तो मेरी बीवी जो इसके मुंह पर झुकी हुई थी घबरा कर खड़ी हो गई, लेकिन ये जमीन पर लेटा रहा बेशरम। इसका जवाब भी है मेरे पास। क्या है? क्या है? काजल है? ये आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके पीछे वाले मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वहां फतेह चंद झोंकू मल नाम का एक नकली हकीम रहता है, तो उस नकली हकीम ने आजकल काजल बनाने का धंधा शुरू किया है, आंखों की रोशनी तेज करने वाला काजल। अरे रोशनी क्या खाक तेज करता है, जो आदमी अपनी आंखों में लगाता है वो मछली की तरह फड़फड़ाने लग जाता है। उसी झोंकू मल से तुम्हारे भाई ने भी एक काजल खरीदा था, घर आके उस काजल को जब अपनी आंखों में लगाया तो आंखों में तकलीफ होने लगी, जमीन पर लेट के चिल्लाने लगा कराने लगा। इतने में तुम्हारी बीवी आई, अपने देवर की हालत देखी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ममता की मारी जमीन में बैठी, अपने बेटे समान अपने देवर का सर अपनी गोद में रखा, अपने पल्लू से आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से काजल निकालने लगी, झुक कर उसकी आंखों में फूंक मार रही थी कि तब तक आप दाखिल हो गए। आपको चश्मा तो था नहीं, देवर को भाभी की गोद में लेटा हुआ देखकर आपके मन में शक की लालटेन जल उठी। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। अब अदालत तुम दोनों से आखिरी बार पूछती है, क्या तुम दोनों अलग अलग होना चाहते हो? नहीं नहीं, नहीं सब नहीं, मैं गुनहगार हूँ,
मैं पापी हूँ। मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर शक किया, अपनी सीता जैसी पवित्र पत्नी को गाली दी। मुझे कुछ भी सजा दीजिए चाचा, लेकिन हम दोनों को अलग मत कीजिए। और पन्नालाल तुम क्या कहते हो? मैं भी अपने भाई से अलग नहीं होना चाहता। मेरी जिस माँ को मेरे भाई ने गाली दी थी वो मेरी भाभी है जज साहब, मेरी भाभी है। पन्ना हीरा, पन्ना हीरा, पन्ना मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। ललिता, ये क्या हो रहा है? I'm sorry sir, I'm really very sorry. मैं भूल गई थी कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, मुझे गुनगुनाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, कलाकार लोग तो मूडी होते ही हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो I'm sorry सर, मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे जी? ये उल्टी किताब है। ओह I'm sorry। चलो चला गड़बड़ घोटाला। आप भी अब काम की बात पर उतरा है। तुम्हारी सुरीली गुनगुनाहट सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक बड़ी समस्या हल हो गई। क्या सर? कॉलेज में फंक्शन है ना, उसके लिए एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी, कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी, सारा कॉलेज छानना रहा, अब मिल गई। मतलब कौन सर? तुम। अरे सर क्या गजब करते हैं, ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना हमारे कॉलेज का हॉल सड़े हुए अंडे और टमाटरों की मार्केट बनकर आ जाएगा। ये सिंगर तो है मगर बाथरूम सिंगर है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम इसके बाथरूम के बाहर चक्कर लगाते रहते हो? हाँ। क्या? नहीं नहीं, मैं मेरे कहने का यह मतलब था कि सर मैंने ऐसे बहुत सारे सिंगर देखे जो अकेले में तो बहुत सुर में गुनगुनाते हैं, मगर स्टेज पे आते ही मलेरिया के मरीज की तरह कपकपाने लगते हैं। हमारी ललिता उनमें से एक है। और मेरा तजुर्बा कहता है कि ये कपकपाने वालों में से नहीं, बल्कि अपनी आवाज से सारी ऑडियंस को हिलाने वालों में से है। नहीं आप कह रहे हैं तो फिर ये जरूर गाएगी, और फिर हम लोग पीछे है ना, गाओ। हाँ मैं जरूर गाऊंगी, है ना सर?